नमस्कार दोस्तों, रियेश क्वेश्चन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपलएससी पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक 40 दिवसीय विजेता बैच शुरू किया गया है, जिसमें आज सुबह आप लोगों ने बीरेश सर की क्लास देखी और इस समय मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, यह पहला लेक्चर है। दोस्तों, समय हम लोग के पास बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको हल करने के लिए, बी की आय मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, बी की आय कितनी है 100 रुपये। तो ए की आय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रश्न को पढ़ेंगे, व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय में हम 25% जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम वैल्यू को 100 मानते हैं तो कुछ परसेंट जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल उसके प्रतिशत भाग को हटा देते हैं, सीधे वही अंक हम उसमें जोड़ देते हैं, तो ए की आय हमें पता चल जाएगी 125 रुपये। ठीक है, ये किसकी हो गई, ए की आय। ठीक है, यही फायदा होता है वैल्यू को 100 मानने से। आंसर आप कुछ भी मान लिए, 100 मानिए, 10 मानिए, 1 मानिए, 500 मानिए, आपका आंसर आएगा सही आएगा, लेकिन जब आप 100 मानते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 25% हमें जोड़ना था तो सीधे 25 हमने जोड़ दिया, 125 रुपया हो गया, ये ए की आय हो गई। मान लेते प्रश्न में दिया होगा कि 25% कम है, तो 100 से हम सीधे 25 घटा देते तो हो जाता 75, वो हो जाती ए की आय। ठीक है, इसलिए हम 100 मानते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाए और समय बचे। अब प्रश्न आगे है कि तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो कितने प्रतिशत कम होगी इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये निकाल लें कि कितना कम है। ठीक है, तो कम निकालने के लिए हमें क्या करें, ए की आय से बी की आय घटाना होगा। तो बी की आय जब हम घटाते हैं तो आ जाता है 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये क्या है, कम है। अब अगला हमारा काम है कम प्रतिशत निकालना। ठीक है, कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना कम है, जितना कम है मतलब 25 रुपया कम है, इसको हम ऊपर रखेंगे। जिससे तुलना करनी है, ए से तुलना करनी है ना, ए का मान क्या करेंगे हम नीचे रख देंगे, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको हल कर लेते हैं, 25 जाएगा कितना, 5 बार, 5 से काटेंगे ये जाएगा 20 बार। तो बी की आय क्या हो गई, ए की आय से 20% कम हो गई। बी की आय क्या है, ए की आय से 20% कम हो गई, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसको हल करने का एक विधि और है जिसे फार्मूला विधि कहते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन उसको हल करने से एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मालूम मैथ के बारे में कुछ, एक बार देख लें, क्योंकि प्रश्न को जैसे जैसे कहा गया वैसे पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से क्या है, 25% अधिक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बी की आय मान लिया 100 रुपये, बी की आय हमने मान लिया 100 रुपये, 25% अधिक है तो प्रतिशत हटा के 100 में सीधे 25 हमने जोड़ दिया, ये हमारा हो गया ए की आय। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कम तो निकालें, तो कम हमने निकाला तो ए की आय से बी की घटाई तो 25 रुपया कम है। कम प्रतिशत निकालने के लिए 25 को हमने ऊपर रखा और जिससे तुलना करनी, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वही हो गया हमारा आंसर, जो मान आया वही हो गया हमारा आंसर। तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। दूसरा मेथड हम देखेंगे फार्मूला वाला। ठीक है, फार्मूला ये कहता है कि यदि व्यक्ति ए की आय बी की आय से 100% अधिक होती है, तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से 100+100% कम होगी, 100+100% कम होगी, ये फार्मूला है किसके लिए, प्रतिशत कम के लिए। ठीक है, प्रतिशत कम के लिए, कम या कमी कहो, इसके लिए फार्मूला है 100+100%। यक्ष का मान प्रश्न में दिया गया 25, तो 25 को ऊपर रखिए, 100 प्लस क्या रखेंगे, यक्ष का मान, यक्ष का मान क्या है 25 × 100, इसको हल करेंगे और 25/125 × 100, 25 से हम काटेंगे ये जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे ये जाएगा 20 बार, तो आंसर हमारा हो जाएगा कि बी की आय ए की आय से
20% कम है। ठीक है, 20% क्या है, कम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। ठीक है, यहाँ कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ भी सबसे पहले हम बी की आय मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 100 मानने से हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100 रुपये, इससे 20% कम करना है, तो -20% हमने किया तो प्रतिशत हटा के सीधे 20 इससे हमने घटा दिया, तो आ जाएगा हमारा 80 रुपया। ये क्या है, ए की आय हो गया। अब प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति बी की आय, ठीक है, व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। प्रतिशत अधिक निकालने से पहले अधिक निकालने कितना है, अधिक जब हमने निकाला तो हमें पता चल गया 100 से घटाया जब हमने 80 तो हमें आया 20 रुपया। ठीक है, एक समय बाद आप ये सब ओरल करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना है, सब ओरल कर लेना है, तो हो जाएगा 20 रुपये। अधिक प्रतिशत निकालना है, अधिक प्रतिशत निकालना है, तो आप जितना अधिक है उसको ऊपर रखिए, जिससे तुलना करनी है ए से तुलना करनी है ना, तो ए को आप रखेंगे, ए के मान को नीचे गुणे 100% कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे 20 जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से काटेंगे जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा साधारण मेथड। इसी के साथ आपको एक फार्मूला मेथड भी है। ठीक है, फार्मूला मेथड क्या है कि यदि व्यक्ति ए की आय बी की आय से यक्ष प्रतिशत कम हो, तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से यक्ष अपान 100 माइनस यक्ष गुणे 100% अधिक होगी, तो यक्ष अपान 100 माइनस यक्ष गुणे 100% अधिक होगी। तो यक्ष का मान दिया है 20%, तो यक्ष की जगह आप 20 रख देंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे 20 कर देंगे गुणे 100। आप जब इसको हल और हल करेंगे तो 20 अपान हो जाएगा 80 गुणे 100, 20 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, आंसर आपका क्या हो गया 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है, ये है फार्मूला। लेकिन इन दोनों फार्मूले में एक दिक्कत ये है कि नहीं याद करने वाली, कि कब यहाँ पे ऋण का चिन्ह होगा, कब यहाँ पे धन का चिन्ह होगा। ठीक है, ये चीज़ याद करने के लिए बहुत दिक्कत करती है, तो चलो इसके लिए भी कुछ सोचते हैं। तो जैसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक होने के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 100 + x = 100, ऐसा जब करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, नहीं ये तो 100 से बड़ी ही हो जाएगी। ठीक है, 100 से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक मिनट, जैसे जब प्रतिशत अधिक पूछा जाता है तो नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। नीचे वाली वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या है, यक्स अपान 100 माइनस यक्स, ठीक है, गुणे 100। इस कंडीशन में क्या होगा, 100 से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो हमारा जो मान जो आएगा, ये मान जो आएगा ये अधिक आएगा। ठीक है, प्रतिशत अधिक आएगा जब यक्स अपान 100 प्लस यक्स रखेंगे गुणे 100, तो क्या होगा, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, कम आएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ नीचे वाली बढ़ रही ना, तो ये हो जाएगा प्रतिशत कम। यदि अब भी समझ नहीं आया तो हम ऐसे करते हैं, मान लेते 10 को एक बार हम 2 से भाग देते हैं, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये छोटी है। दूसरी जगह 10 को हम 5 से भाग दे देते हैं, इसकी कंपेरिजन में वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो किस में मात्रा ज़्यादा आएगा, अधिक कौन वैल्यू, वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, 2 से काटेंगे 10 को 5 आएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे इसको 2 आएगा, तो पहली वैल्यू क्या अधिक है, तो अधिक वाले में क्या होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो यहाँ माइनस का निशान लगेगा। ठीक है, और कम वाले में क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी,
बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का निशान है। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलते इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला तो आपको पता चल गया जहाँ पे साइक्लिक वैल्यू है। ठीक है, जैसे ए का मान बी के मान से एक्स प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए का मान क्या है, बी के मान से एक्स प्रतिशत अधिक है, तो बताइए बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत कम होगा ये अगर निकालना हो, तो उसके लिए हमारा जो अभी दोनों फार्मूले हमने बताए थे, एक्स अपान सौ प्लस एक्स और एक्स अपान सौ माइनस वाई, सौ माइनस एक्स गुणे सौ वाले, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे हमें निकालना है कार्य। ठीक है, किया गया कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर होता है आपका आदमी गुणे समय। लेकिन यदि ये कार्य जो है फिक्स हो, मान लेते हैं कार्य जो है वो फिक्स है, तो यदि आदमी की संख्या बढ़ेगी तो हमें समय क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तो बढ़ नहीं रहा है। इस जगह पे भी आप यक्स ये वाला फार्मूला जो है ये जो दोनों फार्मूले हैं आवश्यकता के अनुसार इन दोनों फार्मूले से कोई एक फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। यदि दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी घट बढ़ नहीं रही है, तो यदि ये चाल घटेगी तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। ठीक है, और यदि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। दूरी क्योंकि कांस्टेंट है, चाल कितनी बढ़ाएंगे, चाल जैसे आप बढ़ाते जाएंगे समय क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लेते किसी खेत का क्षेत्रफल है, मेंसुरेशन में आता है, तो ये हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल को यदि निश्चित कर दें कि क्षेत्रफल घटे बढ़ेगा नहीं, तो यदि लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई को ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा, नहीं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन इसमें लाना नहीं है। उसी प्रकार यदि लंबाई घटती है तो क्या होगा, चौड़ाई बढ़ेगी, तभी क्षेत्रफल निश्चित रहेगा। तो दो ऐसा वैल्यू हो जिसका प्रोडक्ट स्थिर हो, तो उसमें से एक का मान अगर बढ़ रहा है दूसरे का मान ऑटोमेटिक घटेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला टाइप है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि वस्तु को होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। अब क्या है, व्यय जो है ये अपरिवर्तित है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब कह रहा है कि मूल्य जो है वस्तु का वो बढ़ रहा है। ठीक है, मूल्य जो है बढ़ रहा है, तो खपत, इसका जो मल्टीप्लाई होता है खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मूल्य में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो रही है, और खपत को क्या है, तो हमें कुछ ना कुछ कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्तन नहीं, तो हम अपना फार्मूला लगा सकते कि नहीं। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो कम करने का फार्मूला क्या होता है, जब कम वैल्यू हमें लानी है तो नीचे का मान बड़ा करना पड़ेगा, तो 100 प्लस एक्स और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 दिया है आपके ऑप्शन में, प्रश्न में, तो 20 अपान 100 प्लस 20 गुणे 100, इसको अगर हम हल करेंगे तो आ जाएगा 20 अपान 120 गुणे 100। 20 से काटेंगे जाएगा कितनी बार, 6 बार, 2 से काटेंगे आ जाएगा 3 बार, ये जाएगा 50 बार, तो आपका आ गया कितना, 50/3। इसको और हल करेंगे तो आ जाएगा 16/2
3%, ठीक है, 3% 16/5 2/3% खपत को कम करना पड़ेगा। यदि व्यय व्यय जो है व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मूल्य 20% बढ़ रहा है, तो खपत को कितना 16/2/3% कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चलिए फार्मूला कैसे यूज होता है कि जब दो वस्तुओं का जो प्रोडक्ट है उसका उसका जो मल्टीप्लाई दो वस्तु को जब मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो उसका प्रोडक्ट आता है अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, मूल्य जो है वो 25% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, -25%। उसमें वस्तु पे होने वाला मासिक व्यय 10% कम हो रहा है। अब यहाँ क्या है, व्यय जो है हमारा ये भी 10% कम हो रहा है, ये भी क्या 10% कम हो रहा है। तो याद कीजिए उस वस्तु की खपत पहले से कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो गुड़े जो खपत है ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ गई, मान लेते हैं 5% बढ़ गई। अब क्या है, अब इस प्रश्न में क्या है, व्यय भी चेंज हो रहा है, मूल्य भी चेंज हो रहा है, खपत भी, तो क्या यक्स अपान 100 प्लस या माइनस यक्स गुड़े 100 वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया ये थी कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है तो वो नहीं लगेगा। इसके लिए एक अलग फार्मूला है, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ ए का मान क्या है, ए का मान अपने हिसाब से चेंज होता है, जैसे यहाँ व्यय है तो ए हो जाएगा व्यय, तो ये हो जाएगा मूल्य, ये हो जाएगा खपत। मान लेते ये क्षेत्रफल है ए, तो ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, ये मान लेते हैं दूरी है, ये हो जाएगा चाल, ये हो जाएगा समय, ठीक है, चीज़ें सब वही, ठीक है, चीज़ें सब वही हैं, लेकिन अब यहाँ जब इस भाग में परिवर्तन हो रहा है तो यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स गुणे 100 वाला फार्मूला नहीं काम करेगा, उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। आप ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए कहा गया है कि मूल्य में 25% की कमी हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो कह रहा है मूल्य, ये क्या है, मूल्य है, ये क्या है, खपत है, ये क्या है, व्यय है। तो मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की कमी, तो -25 रख दिया हमने। तो मासिक व्यय में क्या हो रहा है, 10% की कमी, तो -10 हमने रख दिया, तो बराबर। और खपत में क्या है, हमें पता नहीं, तो उसको हमने रख दिया प्लस वाई रख दिया, प्लस क्या हो जाएगा, 25, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस का माइनस, 25y/100, 25 से काटेंगे तो 25 से एक बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, इस 25 को इधर ले आएंगे तो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो प्लस 25 माइनस 10 हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा y माइनस वाई बाई 4। इसको हल करेंगे तो इधर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है, माइनस वाई 4y, क्योंकि 1 एक का पाड़ा 4 बार जाएगा, 4y जो है 4 का y में गुणा करिए 4y हो जाएगा माइनस वाई, तो इधर अब आ जाएगा आपका 15 बराबर 4y में से y घटेगा 3y/4, 3 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार, अब y बराबर हो जाएगा 5 × 4 × 5 बराबर हो जाएगा y = 20%, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 20%। कहने का मतलब ये है
कि यदि मूल्य में 25% की कमी हो रही है और खपत जो है या मासिक व्यय जो है 10% कम हो रहा है, तो उसकी जो खपत होगी वो 20% क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, खपत क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस में आंसर आ रहा है। ठीक है, 20% क्या हो जाएगी, खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें देखना होता है कि जब आपके व्यय में भी परिवर्तन हो रहा है तो पहले वाले फार्मूले नहीं लगेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, प्लस माइनस ए वाले का। ठीक है, प्लस माइनस ए की जगह आप कुछ भी रखें। ठीक है, यह यहाँ व्यय ही नहीं रहेगा, जो भी कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो गुणनखंड तीसरे के मान को निश्चित कर रहा हो या परिवर्तित कर रहा हो, तो वहाँ पे यह फार्मूला लगता है। तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला रखते चले गए, ए की जगह पे माइनस दस रखा, क्योंकि व्यय क्या है, माइनस दस है, और उसकी जो मूल्य है 25% कम हो रहा, तो 25 फिर वाई, फिर इसको हमने हल किया और हल करने के बाद आंसर हमारा है 20%। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उस वस्तु की खपत क्या है, 30% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यहाँ क्या दिया है, मूल्य, मूल्य में क्या बता रहा है ये कि 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मूल्य बराबर क्या हो, 40% वृद्धि, जिससे उस वस्तु की खपत क्या है, भाई दाम बढ़ गया तो खपत क्या कर लिया इसने, 30% घटा लिया, 30% इसने घटा लिया। तो पूछ रहा है कि मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो व्यय में क्या परिवर्तन होगा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो ये व्यय हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यक्स प्लस माइनस ए हम रहने देते हैं। ठीक है, बराबर यक्स की जगह रख देंगे प्लस 40। ठीक है, प्लस 40 वाई गया माइनस 30, क्योंकि खपत क्या है, 30% कम हो गई, तो हो जाएगा धन और ऋण का गुणा, ऋण हो जाएगा 40 × 30/100। इसको अगर हम काटेंगे तो जीरो से इस जीरो को काटो, जीरो से इस के जीरो को, और 40 में से 30 से अगर जाएगा तो आ जाएगा माइनस प्लस का 10, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ए का मान कितना आया, ए का मान आया माइनस का 2। कहने का मतलब जो व्यय है वो 2% घट जाएगा। ठीक है, आपने देखा मूल्य कितना, 40% दाम बढ़ा था, उसने खपत को 30% कम कर लिया, तो जो उसका मासिक खर्चा था वो 2% क्या हुआ, कम हो गया, 2% क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 5 प्रश्न देखे। ठीक है, लगभग 23 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम लोग इसके जो और टाइप है उसको हल करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।